नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मंडी समिति भगवानपुर में भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह और मंडी समिति के अध्यक्ष राजकुमार खसाना ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और नगर पंचायत भगवानपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि नगर पंचायत भगवानपुर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सुबोध राकेश ने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, जिसके उनके पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत चेयरमैन सहकी राकेश नाम मात्र की चेयरमैन है, नगर पंचायत उनके बेटे सुबोध राकेश चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पंचायत में जितने भी कार्य कराए जा रहे हैं उनके सभी रिपोर्ट पर नगर पंचायत अध्यक्ष का नाम न होकर उनके बेटे सुबोध राकेश का नाम लिखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत भगवानपुर में चारों तरफ बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोरोना काल में सैनिटाइजर के नाम पर, सफाई व्यवस्था के नाम पर, अलाव के नाम खुली लूट मचाई गई। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को पात्र लोगों को न देकर अपात्र लोगों को दिया जा रहा है और सरकारी जमीन पर उनकी ओर से अपने चहेतों को दुकानें भी बना कर दी गई हैं। इस तरह के कई गंभीर आरोप उनकी ओर से नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर लगाए गए हैं और कहा गया है कि शासन में भी इसकी शिकायत की गई है, जिसमें जाँच अंतिम चरण पर है और उन्हें भरोसा है कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होगी और इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के सामने भी नगर पंचायत भगवानपुर में फैले हुए भ्रष्टाचार को बताया गया है। रुड़की से हमारे संवाददाता अंशु अग्रवाल की रिपोर्ट। सबसे मुख्य मुद्दा नगर पंचायत भगवानपुर में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है पूरी तरह से, नगर पंचायत भगवानपुर में जो यहाँ की चेयरमैन है श्रीमती सहती देवी जी, वो नाम मात्र की चेयरमैन है, हम सभी जानते हैं, पूरी जनता जानती है। उनका बेटा सुबोध राकेश नगर पंचायत के ऑफिस में कुर्सी पर बैठता है, नगर पंचायत अध्यक्षा सहती देवी किसी मीटिंग में नहीं जाती है और जितने भी यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं नगर पंचायत के द्वारा जो अब तक किए गए हैं, सभी विकास कार्यों के बोर्ड पर आप देख सकते हैं, उनके मेरे पास फ़ोटो भी उपलब्ध करा दूँगा आपको, उन पर सब पे विकास कार्यों के बोर्ड पर सुबोध राकेश का नाम लिखा हुआ है। हमने शासन में भी इसकी शिकायत की हुई है, शासन स्तर से इसकी जाँच हो रही है और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला है। चाहे कोरोना काल रहा हो, सैनिटाइजर के नाम पर, सफाई के नाम पर जो लूट मची यहाँ पर, अलाव जलाने के नाम पर जो लूट मची है, अटल आवास योजना अपात्र लोगों को दिए गए उनकी लिस्टें हैं, मकान मौके पर बने नहीं, पैसे निकाले गए, चाहे शौचालय का कारण रहा हो, शौचालय गरीब लोगों के ना बनाकर उन लोगों के बनाए गए जिनके दो दो मंजिले मकान खड़े हैं, तो चारों तरफ भ्रष्टाचारी है। हाउस टैक्स के नाम पर बदले की भावना से लोगों को डबल डबल टैक्स दिया जा रहा है और सरकारी ज़मीन पर जो नगर पंचायत की ज़मीन है सुबोध राकेश के द्वारा अपने चहेतों को दुकानें बना कर दे दी गई, लेंटर की दुकानें उन्होंने खुद बनाई है। चारों तरफ जितनी भी ज़मीन पड़ी है वो सब कब्जाई जा रही है और कूड़े के अंबार लगे हैं, दुनिया भर के ढेर कूड़े के लगे हैं। नगर पंचायत भवन है मेन बाज़ार में, जो गरीब लोग वहाँ शादी कर लेते थे, अपनी बेटियों की शादी कर लेते थे, वहाँ कूड़े की ट्रालियाँ खड़ी रहती हैं। सफाई के नाम पर चारों तरफ एक किस्म से महामारी फैली हुई है, जोड़ सब सड़कें हैं। अभी मैंने शिकायत की डीएम साहब को पिछले साल, एक तालाब है मेन बाज़ार भगवानपुर में, उसकी चार दीवारी इसके भाई सुभाष राकेश बना रहा था, तो बाद में इन्होंने हेराफेरी करके उसमें नगर पंचायत से दिखाई कि नगर पंचायत से हमने दीवार बनाई है, तो दीवार बनाने का मतलब अगर सौंदर्यकरण होता तो पूरे तालाब का होता है। तो इस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, ये भ्रष्टाचार में नगर पंचायत लिप्त हो गई है। नहीं, कार्रवाई चल रही है, शासन द्वारा जांच हो रही है, जांच होगी तो फंसेगा, कंठ कंठ तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। विकास पुरुष बताने वाले, जनता की सेवा करने वाले, तो हम प्रेस के माध्यम से आप जनता तक उसकी भ्रष्टाचारी का ऐलान कर रहे हैं और अभी भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये आरोप लगाना बहुत आसान है, आप लोग भी हम लोग भी देख रहे हैं कि लगातार वो नगर पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर के है, जो कि यहाँ पर जो है नगर पंचायत की अध्यक्ष जो है सुबोध राकेश की माताजी जो है सहती देवी जी हैं, सारा काम जो है सुबोध राकेश अध्यक्ष कुर्सी पर बैठकर जो है स्वयं करते हैं, और चाहे वो मकान की बात हो, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो है उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो शौचालय की बात हो, एक तालाब यहाँ शाहपुर में स्थित है, अपने चेहतों को और भ्रष्ट तरीके से देने के लिए उन्होंने जो है
उस तालाब को देना चाहा। तत्कालीन जो है उस टाइम पे अधिशासी अधिकारी और SDM के द्वारा हस्तक्षेप के बाद जो है वो रोका गया। वो आज तक तालाब लंबित है और नगर पंचायत को उन्होंने जो आमदनी उससे होती उसको हानि पहुंचाई है। चाहे वो उसका मामला हो, तहबाजारी का मामला हो, वो उन लोगों को पैसा बकाया है उन्हें बराबर, फिर वो ठेका दे रहे हैं और वो यहाँ पर लूट करने का एक काम कर रहे हैं। है जी, हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो और पूरी तरह से जो है ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।